तो आपने अभी तक ये क्लिप देख ली होगी, इसमें दीपिका पादुकोण ये बोल रही है कि जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी तब वो उसी वक्त और भी लड़कों को देख रही थी। अब ऑब्वियसली ये चीज टॉक्सिक है और ऑलरेडी कई लोगों ने पॉइंट आउट भी कर दिया, लेकिन फिर जो लोग अभी उसे गाली दे रहे हैं वही क्यों सेल्फी खिंचाने के लिए पहुंच जाते हैं अगर वो कहीं आ जाती है तो। हमारी सोसाइटी में सेलिब्रिटीज को इतना आइडियलाइज क्यों करा जाता है, क्यों हम लोग इनकी हर बात पर यकीन कर लेते हैं। आलिया भट्ट फ्रूटी नहीं पीती लेकिन आपको बेचती है, शाहरुख खान पान मसाला या रजनीगंधा नहीं खाता लेकिन आपको बेचता है, तो कैसे ये सेलिब्रिटीज हमको मैनिपुलेट कर पाते हैं, ये सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में समझेंगे। बॉलीवुड का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है, पैसा, फेम और फैंस। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन लगभग 2000 लोग मुंबई उतरते हैं ये सपना लेके कि वो एक्टर बनेंगे। हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान मूवी स्टार बनना चाहता है, इनफैक्ट हमारे पॉपुलर यूट्यूबर्स भी बॉलीवुड के अंदर आना चाहते हैं। इस ग्लैमर वर्ल्ड की एक इमेज है कि इनकी जिंदगी बिल्कुल अच्छी होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये इमेज बहुत ही केयरफुली बनाई गई है और ये सच नहीं है। रणवीर और दीपिका की जब शादी हुई थी तब पूरे YouTube पे, Instagram पे और मीडिया में यही लगा हुआ था कि देखो ये कितने परफेक्ट कपल हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी भी ये एपिसोड सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन देखोगे तो लड़कियां यही बोल रही हैं कि जिस तरीके से रणवीर दीपिका को प्यार करता है वो हर लड़की का सपना है, इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो कि कभी उससे मिले तक नहीं है, उसको रियल लाइफ में जानते तक नहीं है, पर्सनली कभी इंटरेक्ट नहीं करा, सिर्फ इंटरव्यूज के बेसिस पे या मूवीज के बेसिस पे उन्होंने एक इमेज बना ली कि वो सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। अब ये चीज बेचने के लिए इन सेलिब्रिटीज के पीआर मैनेजर्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि वो किसी तरीके से इन लोगों को हमेशा न्यूज में बनाए रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनका नाम पहुंचे, इनके बारे में लोग बात करें, ये फेमस हो, ताकि ये लोग अपनी अगली मूवीज के लिए, अपने अगले इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ज्यादा पैसे ले सकें। जितना एक इंसान फेमस होता है उतना ही उसे ब्रांड डील्स मिलती हैं। जानवी कपूर जब लॉन्च भी नहीं हुई थी तभी से मीडिया आपको 10 फैक्ट्स अबाउट जानवी कपूर बता रही है। इन्होंने लॉन्च होने के बाद कोई भी बड़ी हिट नहीं दी है लेकिन फिर भी इनके पास अच्छे ब्रांड डील्स हैं। वहीं पर तृप्ति दामरी, जिनका आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, इनकी एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पर कला, जो कि हिट भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इनके पास अच्छी ब्रांड डील्स नहीं है। जिस स्टार से जितना पैसा मिलेगा उसकी उतनी न्यूज चलेगी और वो उतना फेमस होगा। अब ये सब करके एक इंसान सेलिब्रिटी बन जाता है और लोग उसके फैन। बट हमारे यहाँ पे एक बहुत ही गलत चीज है कि हम सिर्फ स्टार्स को पसंद नहीं करते हैं, हम उनको पूजने लग जाते हैं। हम लोग इन स्टार्स को लिटरली ऐसे मानते हैं जैसे ये भगवान हो। ये चीज बॉलीवुड में थोड़ी कम दिखेगी लेकिन क्रिकेट में तो उससे भी ज्यादा है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, कई लोग इनको पूजते भी हैं। तो एक बार 2001 में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया मैच कर रही थी तो इनके ऊपर आरोप लगा बॉल टेम्परिंग का, और इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये आरोप कैसे लग गया, वो इतने अच्छे और नेक इंसान है, उनके खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। BCCI ने भी ICC के ऊपर दबाव डाला और फिर ICC ने आके ये बोला कि नहीं, वो बॉल टेम्परिंग नहीं कर रहे थे, बस बॉल को साफ कर रहे थे। Clearly, ये चीज़ ball tampering थी, लेकिन हमने मानने से ही इनकार कर दिया। From a playing point of view, I saw Atul Wasan there. I mean, how he can stand up, having seen the footage of what Tendulkar has done out there, and say that he should be forgiven for that. He's totally wrong. I mean, Tendulkar was picking the seam of that ball. ये कल्चर हमारे देश में हमेशा से ही रहा है एक सेवियर इंसान ढूंढने का, एक ऐसा इंसान जो कि हमें हमारी हर परेशानियों से बचा ले। ब्रिटिश राज में जब लोग प्रोटेस्ट करते थे तो भारत माता की जय के साथ महात्मा गांधी की जय, इसके भी नारे लगते थे। अब आप ये बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और हाँ इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं। अगर कोई इंसान किसी की जय बोल रहा है तो किसी को मुर्दाबाद भी बोलता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि कई लोग उनको श्री राम का अवतार मानते थे और कई श्री कृष्ण का। जब आप एक इंसान को लिटरली भगवान की छवि में देखते हो तो उसकी हर बात पत्थर की लकीर बन जाती है। ऐसा नहीं है कि ये चीज इंडिपेंडेंस के बाद खत्म होगी, आज भी लाखों लोग जो पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि जिस सरकार का वो साथ दे रहे हैं उनकी पॉलिसीज क्या हैं, बस वो सिर्फ उस इंसान का सपोर्ट करने के लिए वहां जाते हैं। अब जब लोग इनको इतना पूछते हैं तो इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ भी बोलने का। आयुष्मान खुराना ये बोलते हैं कि अगर आपने प्रोटीन ले लिया तो 3 साल तक आप उसे पचा ही नहीं पाओगे। प्रोटीन शेक्स आर रियली बैड, लाइक कैन यू एलैबोरेट? इट टेक्स 3 इयर्स टू डाइजेस्ट 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन शेक, बाय द वे, इट स्टेज इन योर बॉडी। अब ये कौन सा प्रोटीन लेते हैं जो ये 3 साल तक नहीं पचा पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक बात इन्होंने और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बोली है, सो एनीथिंग व्हिच इज प्रोसेस्ड
which is manufactured, which is advertised, is not right. बिल्कुल सही बात बोली है। I really need a break. KitKat now longer. Life है. Break बनता है। KitKat तो लोगों के घर में चूल्हे पे बनती है और उसका तो कोई ऐड करता ही नहीं। शाहरुख खान ने बचपन से हमें सिखाया कि अगर तुम काले हो तो तुम बदसूरत हो, तुम्हें कभी कोई लड़की भाव नहीं देगी, सोसाइटी में कभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर आना है तो तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम बनना पड़ेगा, गोरा होना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे पास आगे पीछे लड़कियों की भीड़ हो जाएगी। आयरनी इसमें यह है कि शाहरुख खान का कलर खुद डार्क है, और उससे बड़ी आयरनी यह है कि इनकी बेटी सुहाना खान को लोग काली बोल के ही चिढ़ाते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत गलत है और नहीं बोली जानी चाहिए, लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं उन्होंने भी तो बचपन से यही एड में देखा है। ये सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे तो सारे झूठ बोल देते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो ब्लैक लाइव्स मैटर बोलते हैं। 2019 में कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ थे। इन्होंने उनको बोला कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए हैं और अगर आप हमारी पार्टी को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर देते हो तो आपको हम जितने पैसे आप बोलोगे उतने पैसे देने को राजी हैं। सोनू सूद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ का बजट आपका थोड़ा कम है, मैं 2.5 करोड़ लेना चाहता हूँ। इसी तरीके से और भी काफी सेलिब्रिटीज थे जो इस चीज के लिए राजी हो गए थे। तो इससे आपको पता चलता है कि हर चीज जो आप इनके सोशल मीडिया पर देखते हो उसको बिल्कुल सच मत माना करो। शक्ति कपूर के ऊपर भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक लड़की मॉडल या एक्ट्रेस बन के इनके पास गई और इनका कहना ये था कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो कुछ फेवर्स करने पड़ेंगे। अब ये फेवर्स किस तरीके के होंगे आप समझदार हो समझ सकते हो। आजकल लोग बॉलीवुड को ही नहीं यूट्यूबर्स को भी वर्शिप करना शुरू कर चुके हैं। किसी का फैन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को इतना आइडियलाइज करना कि उसकी वैल्यू आपने आसमान पर पहुंचा दी और अपनी एकदम जमीन पर, तो फिर सोसाइटी में सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गलती जितनी इन लोगों की होती है उतनी ही हमारी भी होती है। हम इनकी सारी बातों पर यकीन करते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें ये देखने में अच्छे लगते हैं या इनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। दीपिका को लोग कितना ही कुछ भी बोल लें, अभी अगली मूवी जब रिलीज होने वाली होगी वो वापस से पैसे खर्च करेगी और यही मीम पेजेस जो अभी उसको ट्रॉल कर रहे हैं वापस से उसकी अच्छाई बताते हुए आपको मिल जाएंगे।